अपने टैलेंट को जमाने को दिखा सकते हैं। Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate. आ गए स्कूल से? नन्नू भी आ गई? कैसा रहा आज स्कूल में दिन? अच्छा, बढ़िया। फर्स्ट क्लास? हाँ। कुछ खाया भी नहीं था? आज हमारे टेस्ट खत्म हो गए। खत्म हो गए टेस्ट? काय का टेस्ट था आज? आज हिंदी संस्कृत जीके का। हैं? मेरा काय का बस लास्ट है। कल लास्ट टेस्ट है? आज खत्म। और डांस कब है? डांस परसों है, हाफ डे होगा। आपने दे रखा है भाग? ठीक है। वाले गाने में बद्री की दुल्हनी। बढ़िया नाचना, ठीक है? अच्छा से अच्छा सीखना है। हाँ सीखना। बहुत बढ़िया वाला डांस करना है। तेरे को यही जगह मिली रे? यस। हाँ नीचे। उम्र क्या है स्कूल का? नहीं दे रखा। लत्तू को तो जुकाम लगा है ना? हाँ। क्यों, कैसे लगा? वो एक एक घंटे तक मूड होती है। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमन नेचर के एक और खूबसूरत व्लॉग में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्त ही नहीं चला यार आज तो नींद का, मतलब मैं सो गया था कम से कम 3:30-4 बजे के आसपास खाना वाना खाकर, और ऐसा सोया कि देख सकती हो टाइम रात के 8:30 बजे हैं। और कल का जो वीडियो बनाना था मैंने यार वो थोड़ा ही बनाया था, थोड़ा मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि इंसान नहीं हो यार, मशीन हूँ मैं, मशीन भी थक जाती है यार इतना तो, कभी कभी बहुत प्रेशर लगता है। गाइस मैंने यहाँ पर दीवार में लगा दिए हैं पर्दे, बहुत पहले खरीदे थे मैंने ये पर्दे, क्योंकि आज थोड़ी बहुत मैंने शूट करना है स्टूडियो के अंदर, तो थोड़ा बहुत स्टूडियो जैसा लगना भी चाहिए यार। तो अभी तो फिलहाल मैं फ़ोन से कर रहा हूँ शूट, बट अभी थोड़ी देर के बाद गोप्रो से करता हूँ, तब तक फ्रेश हो जाता हूँ, चेंज कर लेता हूँ कपड़े वगैरह, फिर मिलता हूँ आपको, ठीक है? गाइस सबसे पहले तो सॉरी क्योंकि मैं गोप्रो से शूट नहीं कर पाया। एक्चुअली बात ऐसी है कि गोप्रो में जो लेंस होता है ना वो होता है वाइट, ठीक है, और मेरी जो दीवार है कमरे की ये इतनी चौड़ी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया था कुछ टाइम पहले फ़ोन से कि जो पर्दा लगा रखा ना मैंने, इसका जो स्पेस है वो पूरे दीवार पे नहीं है। बट जब मैंने अभी गोप्रो से ट्राई किया तो मतलब पर्दा तो ऐसा लग रहा है छोटा सा, जैसे कुछ कोई कपड़ा टंगा रखा है दीवार में, तो मेरे को अच्छा ही लगा। क्योंकि होता क्या है कि यार जितना आना चाहिए लेंस के अंदर उतना तो आ रहा है, बट जो नहीं आना चाहिए वो भी आ रहा है, दीवार अलग दिख रही है पर्दा अलग, तो फिर मैंने फ़ोन से ही शूट करने की सोची। तो कोई बात नहीं यार, हैंडल कर लेना, कोई कोई वीडियो फ़ोन से भी बनाने पड़ते हैं क्योंकि GoPro का जो वाइड एंगल होता है ना बहुत फैलाता है, मतलब आप समझ सकते हैं, तो इस वजह से मैंने फ़ोन यूज़ किया है। सो गाइस आज मन किया आप लोगों के साथ बात करने का, तो मैंने सोचा क्यों ना सेटअप बैठाया जाए। अब यार जैसा भी है अभी क्रिएटर नया नया हूँ तो एक्सेप्ट कर लेना। सो गाइस अब बात करते हैं काम की। तो आज दो न्यूज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक न्यूज़ तो ऐसी है कि जिसने मुझको मेरी नज़रों में ना मतलब ज़मीन से आसमान पे बैठा दिया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि फर्श से अर्श तक, मैं फर्श में था लेकिन मुझे अर्श तक पहुँचा दिया है। गाइस मैं उनका नाम लूँगा क्योंकि मैंने उनसे इजाज़त ली है, क्योंकि एक वो बड़ी पोस्ट पे तैनात हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, दिल के गरीब हैं, बड़े भाई हैं, तो वीडियो के जरिए ही उनसे मेरी जान पहचान लगी थी। तो आर्मी में कार्यरत हैं वो और अभी आरआर में हैं, तो इतना ही बताना चाहूँगा। और उनका नाम है श्री योगेश चंद जी। तो एक्चुअली उनका मुझे कॉल आया था लगभग 3 या 4 दिन पहले, 3 दिन पहले उनका कॉल आया था, और अपनी पूरी यूनिट से उन्होंने मेरी बात कराई, और जब मैंने उनसे बात की और पूरी यूनिट से बात की तो मेरा सीना ना फख्र से चौड़ा हो गया। उन्होंने ये कहा कि जो आपका काम है यूट्यूब के अंदर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बहुत ही, मतलब यार मैं सवेरे वर्कआउट कर रहा था लगभग 6:30-6 बजे और योगेश जी का फ़ोन आता है मुझे, और वो ये कहते हैं कि यार आपसे सर लोग बात करना चाहते हैं, साथ के बात करना चाहते हैं, तो मतलब
यार मैंने कहा यार मुझसे बात करना चाहते हैं, मैंने कहा प्लीज यार कराइए आप। तो गाइज आप रियल नहीं मानेंगे, मतलब ये चीज जब वो मुझसे बात कर रहे थे तो वो मुझको सर कर रहे थे, यानी कि मैं ऐसे कह रहा था सर बोलिए कैसे हैं क्या है, तो वो मैसे कह रहे थे सर हमें आपकी हर एक वीडियो पसंद आई, आपकी मेहनत मतलब काबिल तारीफ है, आप अभी नए नए क्रिएटर हैं लेकिन आप नेपाल भी होके आ गए हैं और महेंद्रनगर भी आपने दिखाया, बाइक को भी मॉडिफाई कराया और आपके जो मोटिवेशनल वीडियो हैं वो भी मैंने देखे, तो वो मुझे सर सर कह रहे थे। तो मेरा यार सीना मतलब फख्र से इतना चौड़ा हुआ ना, मैं आपको क्या बताऊंगा इस। और मैं सोच रहा था कि वड्डा मार्केट में मैं इस टॉपिक को छेड़ूंगा, लेकिन होता क्या ना जब मैं गोप्रो पकड़ के शूट कर रहा होता हूँ तो कई लोग देखते हैं तो उससे अनकम्फर्टेबल फील होता है, और भीड़ में फिर अगर मैं इतनी महान हस्तियों का, हमारे देश के रियल हीरो होते हैं यार आर्मी वाले ना, आपको पता ही है, तो नहीं खपता यार। तो मैंने सोचा क्यों ना आज सेटअप बैठाया जाए और अपने जो देश के रियल हीरो हैं, जो जवान हैं देश के, जो हमारी आन बान और शान है, उनका नाम मैं भी फख्र से लूँगा। तो अभी शांत माहौल है, वीडियो बन रहा है बढ़िया तरीके से बन रहा है, तो योगेश चंद जी को तो मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, और ये वीडियो आप देख रहे हैं योगेश चंद जी मुझे पता है, तो सल्यूट है मतलब आपको यार, जय हिंद यार, सत सत नमन है, आप देश के जो वीर हैं सच्चे सपूत हैं ना, मतलब रियल हीरो यार। और आपने जो बात कराई अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, साथ वालों से, तो उनको भी सल्यूट है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हैं तो हम हैं, क्योंकि अपनी जो इंडियन आर्मी है ना हिंदुस्तान की, भाई उनको तो देखकर ही ऐसा लगता है कि बस देखते ही रहो, और अपना एक जो मनोबल होता है ना वो बढ़ता है, क्योंकि यार आप लोग हैं तो हम लोग हैं, क्योंकि आप जब रात दिन बॉर्डर में ड्यूटी कर रहे हैं ना, तो जाके हर एक भारतवासी, हर एक हिंदुस्तानी चैन से सो पा रहा है, चैन से सांस ले पा रहा है। ये तो था मेरा पहला टॉपिक, और मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरुआत में कि दूसरा जो टॉपिक होगा थोड़ा सैड होगा। तो कुछ टाइम पहले ही अभी मैंने मनोज दे का वीडियो देखा, क्योंकि मनोज दे को मैं देखता रहता हूँ और काफ़ी अच्छे क्रिएटर हैं वो, काफ़ी कुछ बताते हैं न्यू क्रिएटर को। तो उनके चैनल के माध्यम से मुझे पता चला कि एक यूट्यूबर ने खुदकुशी कर ली है, उनका है गेमिंग चैनल और कुछ नाम लेते थे वो, तो गेमिंग चैनल चलाते थे वो, और व्यूज़ नहीं थे या कोई और प्रॉब्लम थी, ये तो खैर अब आने वाले समय में पता चल जाएगा कि किस कारण उन्होंने किया, लेकिन अभी जो खबर उभर के आई है उसमें ये बता जा रहा है कि उनके चैनल में व्यूज़ नहीं आते थे और गेमिंग चैनल उनका था। तो गाइज ये कोई बात नहीं हुई कि आपके चैनल में व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और नहीं आ रहे हैं तो आप क्या खुदकुशी कर लेंगे, नहीं, ये सरासर गलत है गाइज, क्योंकि देखिए जो नए क्रिएटर होते हैं वो सोच कर ही आते हैं कि हमने पैसा कमाना है, हमने वीडियो बनानी है और जल्दी से जल्दी हमारी रेवेन्यू हो, हर एक वीडियो में हमारा अच्छा खासा एडसेंस द्वारा जो है कि पैसा आए, बट होता कुछ और है गाइस। देखिए यूट्यूब की जो दुनिया है ये एक ऐसी दुनिया है गाइस कि असीमित, इसके भीतर आप जितना घुसोगे मतलब जितना छान मारोगे ना यूट्यूब की दुनिया को, उतना ही कम है, ये अथा समुद्र की गहराई है यूट्यूब। जब मैं यूट्यूब में आया तो मेरा एक ही लक्ष्य था, और वो लक्ष्य ये था कि अपने आजू बाजू के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने यारों को, अपने रिश्तेदारों को एंटरटेन कर सकूँ, जो अगर मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं दिखा सकूँ यूट्यूब के मंच के द्वारा। यूट्यूब बहुत बेस्ट चीज़ है, बहुत अच्छा मंच है जिसमें आप अपने टैलेंट को जमाने को दिखा सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि ये जो छोटा सा मैंने वीडियो बनाया, बस ये दो टॉपिक थे मेरे, एक थी खुशखबरी और एक थी बैड न्यूज़ जो मैंने आपको सुनाई। तो प्रेशर में आके काम नहीं करें, अच्छी तरीके से काम करें, कोई आपको देखे ना देखे, आपको अंदर से मजा आना चाहिए वीडियो बनाने में और वीडियो अपलोड करने में और जनता को वीडियो दिखाने में। तो बस इतना सा था भाई आज का टॉपिक।
तो कमेंट करना कि आज का वीडियो कैसा लगा, ठीक है? सो ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत और प्यारे से व्लॉग में। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ये आपकी मर्जी है। मेरा काम था वीडियो बना के आप तक पहुँचाने का, बाकी सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है ना? और योगेश चंद जी को मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा थैंक यू, जय हिंद।